इसके लिए जो है वो आप अपने आप को तैयार रखें, और जो बुक्स है आपको रेफरेंस बुक्स दी हैं या एक आप लोगों के साथ मैंने जो बुक शेयर किया है उसको भी आप स्टडी करें। जैसे आज हमारा फोर्थ वीक है, तो फोर्थ वीक में आप लोगों ने थर्ड वीक तक एक्चुअली काम करना है। उसमें आप लोगों के पास पता हो कि बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे बनता है, वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं जो है वो एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ YouTube के कुछ लिंक्स फॉरवर्ड करूँ या कोई और फर्दर लिंक्स दूँ तो आप उनको एक दफा जरूर देखा करें, ताकि आप लोग जो है आप लोगों का उस सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर ग्रिप हो, आपको थोड़ा जनरल चीजों का भी आइडिया हो और उन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन का भी आइडिया हो। तो इसलिए आप लोगों ने अभी जो थर्ड वीक तक अगर मैं बात करूं, पहले में क्योंकि जनरल डिस्कशन थी तो आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं उसमें आप लोगों का पेज नंबर बनता है लास्ट में 41 से 69, क्योंकि पेज जो फर्स्ट वीक है उसमें आप लोगों को पेज 1 से 16 रीड आउट करना है, इन सेकेंड वीक पेज नंबर 23 से लेकर 37 तक रीड करना है, एंड देन यू हैव इन लिंक एज वेल, उसमें बैलेंस स्कोर कार्ड एंड स्ट्रेटेजी मैपिंग के बारे में बताया हुआ है और उसके पूरी एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है। इस तरह मैं आप लोगों के साथ भी कल एक असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा, वो असाइनमेंट जो है वो आप लोग उसको देख लेंगे, और जो कल का लेक्चर है वो मैं सुबह आप लोगों के साथ 8:30 पे लूंगा, राइट। तो उसको आप लोगों ने देख लेना, साथ में ये जो पेज नंबर 1 से लेकर ना पेज नंबर 16 है आपके चैप्टर नंबर 1 का, वीक 1 के अंदर, इसमें आप लोगों ने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 16 तक भी, आई मीन रात को जब भी आपको टाइम मिलता है या अर्ली मॉर्निंग, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। मैं दो तीन लोगों से जो है दो तीन स्टूडेंट से इसका थोड़ा फीडबैक लूंगा कि आपने इस बुक को रीड आउट किया, क्योंकि ये जितना भी मटेरियल है ये ऑलरेडी शेयर्ड है आप लोगों के साथ है। अगर किसी को नहीं पहुंचा तो वो इसका मतलब है वो ग्रुप में ऐड नहीं होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन या और आई मीन रीजन नहीं हो सकती है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो कल जो मैं आप लोगों के साथ 8:30 क्लास लूंगा सुबह, उसमें आप लोगों ने पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक रीड आउट करना है। अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के साथ बुक, कोर्स आउटलाइन, कुछ यूट्यूब के लिंक्स एंड देन मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कोर्स आउटलाइन शेयर किया है। कोर्स आउटलाइन में वीक वाइज आपकी डिवीजन दी गई है और उसकी कोर्स की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, एंड देन यू हैविंग एग्जैक्टली पेज नंबर्स कि आपने कहाँ से कहाँ तक उसको रीड आउट करना है। साथ में मैंने आप लोगों को दो यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं, उस पर भी जो कुछ आपने देखा है वो भी आप लोगों ने आपको पता होना चाहिए। लेकिन कल सुबह के लिए आप लोगों ने पेज नंबर 1 to पेज नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इसको अच्छे से रीड करके आना है। उसमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उसको आपने रीड आउट करके आना। जनरली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ रेलिवेंट टू पेज नंबर 1 to 16, जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, इंटीग्रेशन क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, एंटरप्राइज की क्या चीज़ है, तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सी आर अभी तक 9 लोग हैं हमारे पास। जी जी बोले। सर इसे रीड आउट तो क्या हुआ, लेकिन इसमें पहले ही कन्फ्यूजन थी। जी जी बताएं क्या। जी बताइए। क्या सर इसे रीड आउट तो क्या हुआ, लेकिन इसमें पहले कुछ कन्फ्यूजन थी। चलें, जो आपकी कन्फ्यूजन्स है ना उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि मुझे मैंने ये पढ़ा है इसमें, मैं फिर वो आपकी स्क्रीन शेयर करा के या आपको जो टर्म्स होंगी, क्योंकि मैं भी कल पेज नंबर वाइज चलूंगा, पेज नंबर 1 to 1 से 16 तक, ठीक है। तो आपको ठीक जहाँ है। जहाँ प्रॉब्लम होगा मेन टर्म्स में तो आई विल रिवाइज, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फाइन। यस तो सर। अभी पार्टिसिपेंट जो है हमारे पास जस्ट 9 इज हियर। तो मेरे ख्याल में बाकी लोग असाइनमेंट काम के हवाले से मेरे ख्याल में बड़े लेजी हैं, इनको असाइनमेंट दे देंगे यस तो सर। मेरे ख्याल में उनका वो कहते होंगे बस नंबर नंबर आ जाए, इस तरह का होता है मोस्टली हमारा कल्चर। तो काम जो है थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये चीजें जब तक, क्योंकि अब आप अपनी डिग्री के फाइनल स्टेज पे हैं, आफ्टर दैट आपको जॉब हंटिंग करनी है, आपको जॉब के लिए जाना है, तो आपकी जो यस सर। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो देन जॉब गेट करना भी इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए जो है ये आपको पीपीटी फाइल शो हो रही है या वही आउटलाइन ही शो हो रही है। अच्छा, आउटलाइन शो हो रही है सर। हो रही है पीपीटी फाइल। यस सर।
आप लोगों को मैंने जब ये असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों ने एक सिस्टम आई मीन डिजाइन करना है और देन उसके जो अंदर स्किल्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये स्किल्स हैं, इसमें ये स्किल्स हैं। तो आई थिंक जो 9-10 लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब ने ये कुछ आइडेंटिफाई किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल द पर्सन व्हिच इज अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आपने काम किया है, देखा है कुछ? जी सर, ट्राई तो किया है सर, ट्राई तो किया है, लेकिन सर कुछ ज्यादा नहीं निकाल पाया मैं इसके बारे में ना। नहीं, आपने जो किया है काइंडली वो शेयर कर दें। पहली दफा जरूरी नहीं होता कि मैं कहूं कि आपने जो कुछ सर्च किया वो एग्जैक्टली वही है। जस्ट आई मीन यू हैव टू शेयर योर कैपेसिटी, आई मीन जिस कैपेसिटी में रहते हुए आपने उस चीज को फाइंड आउट किया है वो आप जस्ट शेयर कर दें विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? प्लीज बताइए आपने क्या डिजाइन किया और देन व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग, व्हाट इज अ बिजनेस, what are the skills? जी बताइए। सॉरी सर, इतना कुछ तो मैं नहीं निकाल पाया जितना आप पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत ही बस, मतलब सिस्टम थिंकिंग के लिहाज से थोड़ा बहुत समझ आया है जो। जी जी बताइए। सर बेसिकली सिस्टम थिंकिंग देखा जाए ना कि अगर हम कोई आर्किटेक्चर जो है ना अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिस्टम थिंकिंग में हमारे पास ये होना चाहिए कि उसमें कितने पार्ट्स हैं। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर इसका आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो हम इसमें देखेंगे कि स्टूडेंट जो है ना इनरोल्ड है, उसका हमारे जो आर्किटेक्चर है उसके साथ क्या कंसर्न है, मींस कि उसका क्या क्या हमारे पास डाटा है, और इसके अलावा जो है ना वो किस क्लास के साथ, मतलब उसको हमने लिंक कराया हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट से है, और मींस के कौन से प्रोफेसर उसको टीच कर रहे हैं। तो इस तरह के जो उसके सारे पार्ट्स होंगे ना उसके लिहाज से जो हमने उनको मींस के अटैच करवाया हुआ, तो ये हमारी सिस्टम थिंकिंग में आएगी एक तरह से। ओके फाइन, थैंक यू। हाँ जी सियापा, किसी ने रीनेम किया खुद को सियापा, प्लीज आप एक्सप्लेन करें। जी एक्सप्लेन करें जी। हाँ जी सीआर कौन है सियापा, एस आई वाई? सर इस तरह तो सीआर को भी पता नहीं चलेगा कौन है। चलें खैर, तो ये हैबिट ये चेंज करें जी, ये टोटली अनएथिकल है। आप लोग अगर नहीं आता कोई वो बंदा स्टोरी कर लेता है, बट रीनेम कर लेना खुद को, दिस एंड दैट, दिस इज नॉट अ गुड जॉब। एंड किश्वर अकरम, रोल नंबर 21, प्लीज आप एक्सप्लेन करें। सर सिस्टम थिंकिंग में एक हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिया है, उसमें सिस्टम थिंकिंग में ये है कि उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी नर्सेज हैं तो उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है, और उस उनको उस अपने यानी कि अपनी जॉब के लिहाज से नॉलेज कितना है, और लीडरशिप स्किल्स में यह है कि उनकी आपस में कोलैबोरेशन कैसी है। आपने सिस्टम थिंकिंग में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, तो हॉस्पिटल में एक जो मेन ऑब्जेक्ट है, आई मीन द बेसिक पार्ट या एंटिटी व्हिच नेवर बी आई मीन यू कैन इग्नोर, जिसकी वजह से एक हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल कहते हैं, वो पेशेंट है। तो व्हाट्स अबाउट आई मीन पेशेंट, डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ, व्हाट विल बी द इंटरेक्शन और व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी आई मीन कम्युनिकेटेड और इंटरेक्टेड, कैसे करते हैं एंड उनके अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, देन दे विल बी द पार्ट ऑफ सिस्टम थिंकिंग। सर पेशेंट और डॉक्टर्स की पेशेंट की और डॉक्टर्स की आपस में इंटरेक्शन कैसे होनी चाहिए, मतलब कि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको डील कर रहे हैं, और उनको नॉलेज कितना है, मतलब कि डॉक्टर्स को के पेशेंट्स को कैसे वो चेकअप उनका कर रहे हैं, और उनकी आपस में कोलैबोरेशन कैसी है। वो टेक्निकली लोग होते हैं क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और उनके पास नॉलेज होता है, उनकी स्पेशल एक प्लानिंग शेड्यूलिंग होती है जिसके लिहाज से वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। एंड व्हाट्स अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज,
जो आपका एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कौन से सॉफ्टवेयर्स आप मैनेजमेंट सिस्टम में सर एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्योंकि आईटी वर्कर्स का होना भी लाजमी है तो उसके लिए उनके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन चीजों का नॉलेज होना लाजमी है दैट इज इंजीनियरिंग ओके एंड व्हाट इज व्हाट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट हाउ यू कैन डील विद टाइम सर जैसे एक डॉक्टर की एक स्पेसिफिक ड्यूटी है कि उसने ना इस टाइम पे अपनी ड्यूटी करनी है तो जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी ओके चलो थैंक यू आपने कुछ बोला कुछ पार्टिसिपेट किया देन आई हैविंग मिस्टर दानियाल मिस्टर दानियाल हाइफा हाइफा इज हियर मुदस्सर इकबाल यस सर जी आप बता सकते हैं सर मैंने एक सिस्टम बनाया है हॉस्टल मैनेजमेंट पर ठीक है हॉस्टल मैनेजमेंट में मेरी सिस्टम थिंकिंग ये होगी कि जो मैं एक सिस्टम डेवलप करना चाह रहा हूं जी जी वो मेरा एक एटमॉस्फेयर के साथ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा आया कि मैं एक सिस्टम तो डेवलप कर देता हूं लेकिन क्या वो मेरे पास कोई स्टूडेंट्स वगैरह भी आएंगे रहने के लिए नहीं आएंगे उसकी इंटरेक्शन कैसी होगी से एनवायरनमेंट के साथ ठीक है उसके बाद है नॉलेज ऑफ बिजनेस जी जी मैं एक हॉस्टल तो बना देता हूं लेकिन मुझे एक नॉलेज नहीं है कि मैं एक हॉस्टल कैसे उसको एक एग्जीक्यूट कर सकता हूं कैसे वो चलेगा उसका सिस्टम कैसे होगा उसको मैनेज कैसे करना है जी जी इस चीज का होना बहुत जरूरी है मेरे लिए मतलब कि मैं जो बिजनेस करना चाह रहा हूं उसका नॉलेज भी हो मेरे पास ठीक है फिर है इंटरपर्सनल और लीडरशिप स्किल्स जी अब हॉस्टल में मैंने कुछ सर्वेंट्स रखे हैं मतलब कोई मैनेजर है या कोई वॉचमैन है या कोई लॉन्ड्री मैन है तो उनको मैंने मैनेज करना है तो एक मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स होगी कि मैं उस हॉस्टल को कितना टाइम देता हूं मैं उसमें क्या-क्या मेरे रोल है और जो मेरे वहां पे सर्वेंट है मैं उनकी कैसे लीडरशिप करता हूं ओके स्किल्स का होना बहुत जरूरी है उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई न्यू मैनेजर आते हैं या कोई न्यू और सर्वेंट आते हैं या कोई मैं नया सिस्टम मुतारिफ करवाता हूं तो मैं उसको पहले सबसे पहले जो वहां लोग रह रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करवाऊंगा अगर न्यू मैनेजर है तो उसे बताऊंगा कि ये चीज ऐसे मैनेज होगी इसको ऐसे करना है इसको वैसे करना है मतलब कि वो उसकी सारी इंटरेक्शन करवाऊंगा पहले उसके बाद जाके कोई मतलब कि उस कम्युनिकेशन स्किल उसकी डेवलप होगी ठीक है उसके बाद नॉलेज ऑफ आईटी अब अगर मैं एक हॉस्टल बना रहा हूँ उसको मैं मैन्युअली तौर पे मतलब कि कंट्रोल करता हूँ तो वो बहुत मुश्किल है अगर मैं हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लूँ कि इसकी फीस आ गई है इसकी नहीं आई ये इस टाइम पे एंट्री है इस टाइम पे आउट है इसका विजिटर कोई आया है ये नहीं आया तो उसके लिए मैं एक आईटी सिस्टम डेवलप करूँगा मेरे पास आईटी का एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें मैं हर चीज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकूँ मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट किस टाइम आता है किस टाइम जाता है किसकी फी पे हुई है और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई मैनेजर छोड़ के चला जाता है जी जी तो मुझे एक नॉलेज हो कि मैं अब इस सिस्टम को कैसे हैंडल करना है मुझे पता होना चाहिए मैं उसका काम जानता हूँ उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हर चीज मुझे इल्म हो ये ना हो कि अगर वो मैनेजर छोड़ के चला जाए तो मेरा जो हॉस्टल सिस्टम है वो पूरा फ्लॉप हो जाए मुझे पहले उसके बारे में सारी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए हर चीज के बारे में कि कौन सा बंदा क्या काम करता है और कैसे करता है ओके फाइन अगर मैं कोई न्यू सर्वेंट भी हायर करता हूँ तो उसको मैं बता सकूँ कि इस काम को ऐसे मैनेज करना है ओके दैट्स गुड देन फिर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट तो उसमें मतलब जो मेरा एक सीक्वेंस वाइज जो काम चल रहे हैं उनकी मैनेजमेंट करनी है उसमें उनकी प्लानिंग करनी है कि कौन सा काम किस तरीके से चलना है अगर वो मतलब कि जो मेरा स्पेसिफिक गोल है मुझे उससे अर्निंग भी होगी या नहीं होगी ये काम तो सारे चलते रहे लेकिन मुझे अर्निंग ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं सबकी प्लानिंग करूंगा कि इस टाइम पे ये काम होना चाहिए फिर ये काम होना चाहिए तो एक सारी तरतीब होनी चाहिए दैट्स नाइस अच्छा चलें जी नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ फाइनेंस नॉलेज ऑफ फाइनेंस ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो हॉस्टल है वो फ्लॉप हो जाता है तो जो मैंने एक बिल्डिंग ली हुई है या जो मेरे एसेट्स हैं वहाँ पे मैं उनका क्या करूँगा तो इस चीज़ का सारा मैंने मैनेज करना है पहले कि अगर मेरा हॉस्टल फॉर एग्जांपल नहीं चलता तो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होती उसकी
तो मैं उन एसेट्स का क्या करूँगा, उनको कैसे मैनेज करूँगा, ये ना हो कि अगर मेरा हॉस्टल फ्लॉप हो तो साथ मेरे एसेट्स भी खत्म हो जाए, मैं उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ले सकूँ। कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन है उस जी जी बोले कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन में ये है कि मैं उनको एक फिजिबल सर्विस प्रोवाइड करूँ, जो मेरे वहाँ कस्टमर रह रहे हैं उनको एक प्राइस लेस मतलब कि जो एक मुनासिब कीमत में और गुड क्वालिटी वाइज चीज़ें उनको देखूँ, उनकी एक ओरिएंटेशन हो के मेरी जो प्राइस है वो भी मैनेज हो और जो साथ मेरी क्वालिटी है वो भी मैनेज हो, जो मेरे कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो। That's nice. उसके बाद टाइम ओरिएंटेशन में बेसिकली आप अपने सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा सिस्टम ये है, इसमें हम लोग आपको इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, दैट इज बेसिकली ओरिएंटेशन। जैसे आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो आपकी सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन होती है, आई मीन न्यू एडमिशन पे ओरिएंटेशन होती है, जिसमें आपकी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आपके सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं, आप ये ले सकते हैं, इन कोर्सेज में ये है, इन कोर्सेज में ये है, आई मीन डिटेल डिस्क्रिप्शन। आप इसमें कस्टमर्स को आई मीन एक्सप्लेन करेंगे कि जी अगर आप यू पीपल आर द पार्ट राइट नाउ, तो अब आपके लिए हमने ये चीज़ें रखी हैं, इस कॉस्ट में है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, इसमें आपको ये मिलेगा, all the packages I mean you have to share. Ji, what last one is time management prioritization hai usme time management hai ki for example main apni organization mein koi ek new goal set karta hu to usko maine isko manage karna hai ki wo is time tak complete hona chahiye. For example ek maine ye choti si example hai ki maine usko wahan hostel ki safai karwani hai to mujhe pata ho ki is time se lekar is time tak ka jo hostel hai wo free hota hai, usme matlab ki jo customer hai wo nahi hote, to is time main usko safai karwa sakta hu. Agar main unke aane ke baad karwaunga to fir usko matlab ki unki bhi difficulty hogi aur mujhe bhi kafi difficulty hogi. Is tarah maine time ki management karni hai aur sabse pehle uski priority deni hai, jo customer hai unko priority dunga, jo mere goals hai unko priority dunga. अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, एक आप कल जो अर्ली मैंने आई मीन 8:30 आपके साथ लेक्चर लेना है, इसमें ना एक जो मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की है, इसमें एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की जो है ना फीचर्स में आई मीन जो स्किल्स हैं वो 10 एक्सप्लेन की गई हैं, राइट? आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है 10 नेक्स्ट स्किल्स और जो इनसे हटके हों, ये जो 10 स्किल्स दी है ना इसके अलावा 10 स्किल्स और आपने आइडेंटिफाई करनी है, राइट? And then make a list of these skills के जी जो enterprise architect है उसमें ये skills भी होनी चाहिए, कितनी 10, 10 जो है वो skills आपने further identify करनी है, ये इस इन 10 के अलावा, समझ आ रही है बात की? तो ये कल आप लोगों से मैं जो है early morning I mean मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें identify की हैं और कैसे की हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो पढ़ के आना है which is about what is the difference between enterprise architect and enterprise engineering? Second question is enterprise architect. Ji ji. वो chapter 1 के 16 पेज भी पढ़ने हैं और ये लिस्ट भी बनानी है। तो यार ये तो एक आप अभी मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट में आप लिस्ट बना सकते हैं मेरे ख्याल में, या नहीं? सर मैंने गूगल पे सर्च किया लेकिन ऐसा कुछ मतलब कि मोबाइल ज्यादा नहीं मिल रहा। वो तो नहीं मिलेगा ना, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको जरूरी नहीं वहां से सर्च करें, आप कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ लें, कुछ इस तरह से कर लें। चलें आप लोग यूं करें, 1 से लेकर पेज नंबर 1-16 तक रीड आउट करके आइएगा, ठीक है? बाकी चीजें जो है फर्दर कल जो है कल पे रख लेता हूँ, कल आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। कल इंशाल्लाह हमारी 8:30 मुलाकात होगी। असाइनमेंट इज यू हैव टू रीड आउट चैप्टर नंबर 1 and pages number from 1-16. Book already shared hai and the lecture slides already shared and YouTube links already shared, right? Thank you very much. Inshallah, kal subah milte hain. Allah Hafiz. Okay sir, Allah Hafiz.